हेलो मिस गीत। हेलो सचिन जी। जानवी जी, मोहना जी, गुड इवनिंग। रंजना नेगी जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। वी विल वेट फॉर अनदर 1 मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट। जानवी जी, हेलो। किशोर जी, रघुवंशी जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। सत्या जी, सो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है देख रहे हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। माय नेम इज़ मधु नाहटा एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। सो आज हम एक विंटर स्पेशल रेसिपी करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट सॉट आफ्टर रेसिपी है, यू नो, इन लातेज़, जो कि मिल्क बेस्ड रेसिपीज़ होती है। जैसे हम कैफ़े लाते पीते हैं कहीं कॉफ़ी शॉप में या कैफ़े में जाते हैं, तो लाते इज़ द मोस्ट ऑर्डर्ड टाइप ऑफ कॉफ़ी, यू नो, मेड आउट ऑफ मिल्क। जो यू नो मिल्क बेस्ड कॉफ़ी होती है वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड रहती है लाते। सो उसी का एक वर्जन है, नॉट कॉफ़ी का बट द लाते, विच इज़ लाइक बेसिकली फोमी मिल्क, जो हमारे इंडिया से ही प्रचलित हुआ है, बट इट हैज़ टेकन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। ओके, एंड इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हैं, और ठंड के सीज़न में स्पेशली ये हमारी बॉडी को गर्माहट देता है। आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर हल्दी का दूध, इट इज़ कॉल्ड गोल्डन लाते। ओके, सो गोल्डन लाते, एज द नेम सजेस्ट, इट विल हैव हल्दी एंड इट विल हैव मैनी अदर इंग्रीडियंट्स ऑल्सो, जिसके मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कोल्ड एंड कफ रेमेडी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं या आप खुद भी, यू नो, ऑन विंटर नाइट्स यू लुक फॉर अ डेजर्ट, या आपको कुछ यू नो मीठा खाने की इच्छा हो एंड कुछ गर्म खाने पीने का मन हो, देन यू कैन हैव दिस गोल्डन लाते। इसको हम थोड़ा एक्जॉटिक ड्रिंक की तरह बनाएंगे, जो कि आजकल जो यू नो वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट ऑफ ब्रांड्स होते हैं कैफेटेरियाज के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ये लाते है। सो इट इज़ कॉल्ड गोल्डन लाते, वो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। इट इज़ वेरी इजी एंड आप इस रेसिपी को थ्रू आउट द विंटर्स, यू नो, एटलीस्ट 2 to 3 days इन अ वीक पी सकते हैं। कई लोग तो जैसे इंडिया में हल्दी का दूध रोज़ ही पीते हैं, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली हल्दी का दूध, दिस इज़ अ गोल्डन लाते एंड इट्स अ वेरी वेरी एग्जॉटिक एंड अ गॉरमे ड्रिंक। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी, जिसका नाम है गोल्डन लाते। सो जैसे मैंने आपको बताया, हम इसको थोड़ा सा गौरमे फील देंगे, तो वो गौरमे फील देने के लिए नेचुरल है कि इसका दिखना भी बहुत अच्छा ज़रूरी है, प्लस इट शुड लुक जैसे अट्रैक्टिव तो दिखना ही चाहिए ये ड्रिंक, प्लस इसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हम रोज़ नहीं कंज्यूम करते हैं, यू नो, और एक्सक्लूसिव चीज़ें होती हैं। तो उसका पहला इंग्रेडिएंट जो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसको हम तैयार करते हैं। हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं एडिबल गम, गोंद। आप सभी को पता है हमारे इंडियन डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा है ये, इन स्पेशली इन सीजन्स लाइक विंटर। तो उसको हम रेडी कर लेते हैं, गोंद। ओके, एडिबल गम मैं ले रही हूँ, आप कोई भी टाइप का ये ले सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। तो सबसे पहले हम अमूल घी डालेंगे एक कढ़ाई या पैन में। सो मैं अबाउट 1 teaspoon ऑफ घी डाल रही हूँ यहाँ पे, एंड लेट अस अलाउ दिस टू मेल्ट। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज मधु एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। सो
ओके सो ये घी गरम हो गया है। ओके एंड अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो ये गोंद है, मैंने अबाउट 1 1 1/2 टीस्पून के करीब ये गोंद यहाँ पे लिया है। दैट विल बी इनफ आई थिंक, लेट्स सी, और मे बी 1 और 2। ओके तो ये गोंद को हमें इस तरह से फ्राई करना है जिससे कि ये फ्लफी हो जाए। इसे थोड़ा सा आप इस तरह से मिला लीजिए। जैसे आप इसको स्टर करते जाएंगे, इसे लो फ्लेम पे ही करना है सो दैट ये जले नहीं। ओके हम बना रहे हैं गोल्डन लाते, जिसकी गार्निशिंग के लिए हमने बहुत ही एक अच्छा और सात्विक फूड लिया है, एडिबल गम। सो ये हमारा पार्ट हो गया है। इसको गैस को मैं बंद करके, आई हैव टू बी केयरफुल, ये फूटता भी है सो इसको हम, हेलो दीपिका जी, अलग कर देते हैं। दिस इज डन, ओके, ऑन वन साइड, लेट अस कीप दिस ऑन वन साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है वो होगा लाते बनाने का। ओके तो मैं एक मिल्क पैन ले लेती हूँ, आप तपेली या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। एंड गैस ऑन करती हूँ, मिल्क पैन इस पे रख रही हूँ और इसमें हम मिल्क डालेंगे। आई एम यूजिंग अमूल का टोन मिल्क, आप चाहें तो गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी टाइप ऑफ मिल्क आपके घर में आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके सो आई एम मेकिंग 1 सर्विंग, एक्चुअली 1 or 2 सर्विंग दिस मे बी। तो हमें मिल्क को बॉइल करना है सबसे पहले। और जब ये मिल्क बॉइल हो रहा है उसी टाइम हम डाल देंगे इसमें शुगर, आप चाहें तो हनी भी डाल सकते हैं। अगर आप हनी खाते हैं और शुगर नहीं प्रेफर करते हैं तो हनी टूवर्ड्स द एंड डालिए, हनी को बहुत गर्म नहीं करना होता है। जब आपकी पूरी रेसिपी तैयार हो जाए एंड में आप हनी डालिए। सो इसमें मैं 1 टीस्पून शुगर डालूंगी। शुगर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं बट आई थिंक फॉर दिस रेसिपी इतना काफ़ी है। सो इसे हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं दैट वी आर मेकिंग गोल्डन लाते। एंड मिल्क हम बॉईल कर रहे हैं, हमने एडिबल गम यहाँ पे रेडी कर लिया था इस तरह से घी में। फ्लेम मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट होगा हम इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। गोल्डन लाते इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल ड्रिंक बेसिकली हमारे इंडिया का, हल्दी का दूध। बट इसका जैसे मैंने बताया कि काफ़ी फॉर्म चेंज हो गया है, सो जो फॉर्म वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा हल्दी के दूध का पिया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप सिंपल बच्चों को हल्दी का दूध देंगे तो वो शायद, बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें इस टाइप का टेस्ट पसंद आता है, या तो वो नाम से ही डर जाते हैं। कई लोग तो बड़े होने के बाद भी उन्हें दूध नहीं पसंद होता है या हल्दी का टेस्ट, सोच के ही कि हल्दी का दूध, तो दे जस्ट डिनाय, भले ही उसके बेनिफिट्स कितने भी हो। लेकिन अगर आप उसे गोल्डन लाते बोल के और इस तरीके से बनाएंगे तो आई एम श्योर दे विल लव इट। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट पाउडर यानी जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून। ओके जिंजर पाउडर, तो इसमें खाली हल्दी हम नहीं डाल रहे हैं। ओके
हम इसमें दो तीन चीजें डाल रहे हैं, अलग अलग स्पाइसेस डाल रहे हैं। बड़ा ही एग्जॉटिक सा ये लाते बनने वाला है। आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उन्हें डेजर्ट में आइसक्रीम, गुलाब जामुन या इस तरह की चीजें सर्व करें। आप गोल्डन लाते बना के भी उन्हें सर्व कर सकते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा, एंड प्लस यू नो सर्दियों के सीजन में एवरीवन विल लव इट। सो हमने अबाउट 1 कप मिल्क लिया, उसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर डाली है, रेगुलर शुगर, और 1/4 टीस्पून ऑफ जिंजर पाउडर यानी सौंठ, जो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होती है। फिर मैं इसमें डालूंगी नटमेग यानी जायफल। ओके, जायफल कई चीज़ों में हेल्पफुल होता है, एलर्जीज में और स्टमक डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। ओके, बिल्कुल थोड़ा सा हमें जायफल डालना है, बिकॉज जायफल का टेस्ट जो होता है, फ्लेवरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो मैंने बिल्कुल हल्का सा ऐसे ग्रेट किया, आप देख सकते हैं फ्रॉम द साइड, वो हम इसमें डाल रहे हैं। तो हमने डाला अभी तक जायफल, शुगर और सौंठ यानी जिंजर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, हमारा स्टार इंग्रेडिएंट हल्दी, तो मैं 1/4 टीस्पून हल्दी यहाँ पे डाल रही हूँ। ओके, अब ये दूध हमारा बॉईल होने आया है, इसे हम थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अभी आप देखेंगे इसमें लम्प्स है, तो आप किसी भी स्पून से इन लम्प्स को तोड़ सकते हैं, या आपके पास अगर विस्क है तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसे मिलाते जाएं तो क्या होगा कि जो फोम है लाइक ये फ्रॉथी बन जाएगा। देखिए बिल्कुल ही गोल्डन लाते जो है इस तरह से तैयार हो रहा है कि इसमें सिर्फ हल्दी का टेस्ट नहीं आएगा या कोई एक पर्टिकुलर स्पाइस का टेस्ट नहीं है, बट इट हैज़ सौंठ यानी जिंजर पाउडर, इट हैज़ जायफल ऑल्सो, नटमेग जो सबसे पावरफुल स्पाइस है यू नो वो भी है, और टर्मरिक भी है, और शुगर हमने इन सबको बैलेंस करने के लिए डाली है टेस्ट को। मैं टोन मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अमूल का गोल्ड मिल्क या जो भी आपके घर में मिल्क आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर मिल्क। कई लोग जो वीगन्स हैं वो लोग नॉर्मल काउ मिल्क या बफेलो मिल्क नहीं यूज़ करते हैं, सो दे कैन ऑलवेज यूज़ यू नो आलमंड मिल्क फॉर दिस। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, एंड आई हैव अ यू नो दिस इलेक्ट्रिक विस्क हियर, जिससे मैं इसको थोड़ा सा फ्रॉथी बनाऊंगी। ओके, आप रेगुलर विस्क से भी इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं फ्रॉथी बना रही हूँ विद आवर विस्क। ओके, अब हम इसे वी विल जस्ट एड दिस टू आवर कप, I will take this here. Like this. Okay. अब ये जो हमने गोल्डन लाते तैयार करी है इसको मैं पोर करूंगी। Okay. आप इसके ऊपर जो हमने ये गोंद बनाया था ये ड्रिजल कर सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल बट दिस विल मेक इट लुक रियली डिलिशियस, और खाने में ये जो ऊपर एडिबल गम है ये बहुत अच्छा लगेगा, एंड बच्चों को अगर आप ये देंगे तो उन्हें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। सो लेट मी कीप दिस एट द फाइनल प्लेस एंड शो इट टू यू।
सो जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया अभी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू अमूल. आज हमने बनाया गोल्डन लाते. सो गोल्डन लाते टर्मरिक मिल्क, बट इट्स अ डिफरेंट वर्जन ऑफ गोल्ड ऑफ टर्मरिक मिल्क या हल्दी का दूध. मैंने लिया 1 कप मिल्क, 1-1.5 कप्स मिल्क ले सकते हैं. आई यूज़ स्टोन मिल्क, यू कैन यूज़ गोल्ड ऑल्सो, अमूल गोल्ड. उसमें मैंने सॉल्ट पाउडर यानी जिंजर पाउडर डाला, नटमैग थोड़ा सा बिल्कुल अ पिंच ऑफ इट डाला है ग्रेट करके, एंड उसके अलावा आई एडेड शुगर. आप चाहें तो बाद में हनी, जब ये बन जाए उसके बाद हनी डाल सकते हैं, शुरू में मत डालिए. एंड सो एंड टर्मरिक वो डाला, और एक तरफ हमने एडिबल गम को यू नो फ्राई कर लिया. सो उसको उसकी हमने गार्निशिंग करी है. ओके, सो दिस इज़ आर गोल्डन लाते, वर्ल्ड वाइड मोस्ट सॉट आफ्टर लाते है ये. ओके, ये देखिए, इट लुक्स सो सो डिलिशियस एंड सो सैटिस्फाइंग, यू नो सर्दियों के दिनों में. एंड गला भी ठीक हो जाएगा, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, लॉट ऑफ थिंग्स. सो दिस वॉज आर टूडेज रेसिपी. थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आई सी यू डे आफ्टर अगेन एट 11 PM विद अनदर विंटर स्पेशल रेसिपी. थैंक यू एंड थैंक्स अमूल.